नमस्कार, खबर दोपहर में आपका स्वागत है। मैं प्रियंका शर्मा। बुलेटिन से पहले नजर डाल लेते हैं आज के हेडलाइंस पर। कोटा के जैकलोन अस्पताल में एक और बच्चे ने तोड़ा दम, गलत ब्लड देने से मां की भी हुई मौत। खेत में गिरा ट्रेनिंग विमान, दुर्घटना में दो पायलटों की मौत। जयपुर में पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया ने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में की जनसुनवाई, लोगों की समस्याओं का निराकरण करने के लिए दिए दिशा निर्देश। रुक करते हैं खबरों की ओर। राजस्थान के कोटा शहर के जैकलोन अस्पताल में आज एक और बच्चे की मौत हो गई, जिससे यहां शिशुओं की मौत का आंकड़ा बढ़कर 107 हो गया है। आपको बता दें, आज एक और बच्चे की मौत से अस्पताल में हड़कंप मच गया है। 7 माह का यह मासूम बीते 2 जनवरी को बारा से रेफर होकर यहां आया था। वहीं अस्पताल में भर्ती बच्चे की मां की भी मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि मांगरोल निवासी ज्योति को बारा अस्पताल में ब्लड चढ़ाया गया था। जैकलोन अस्पताल में दिसंबर महीने से अब तक 107 मासूमों की मौत हो चुकी है। बच्चों की लगातार हो रही मौत की जांच करने के लिए शनिवार को केंद्र से उच्च स्तरीय टीम अस्पताल पहुंची है। टीम अस्पताल का दौरा कर रही है। राजनांदगांव जिले में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में डोंगरगढ़ विकास खंड में भी पंच, सरपंच और जनपद सदस्य के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसमें पंच सरपंच के लिए नामांकन जनपद पंचायत में, जनपद सदस्य के लिए नामांकन तहसील कार्यालय में दाखिल किया जा रहा है। पंचायत निर्वाचन में अभी हमारे प्रक्रिया चल रही है। नाम निर्देशन प्राप्त करने 10 सेंटर बनाए गए हैं। सभी 10 सेंटर में पंच सरपंच का आवेदन जमा हो रहा है और जनपद पंचायत का तहसील कार्यालय से और जिला पंचायत के जिले से अभी लगभग कम से कम 50% पदों में नाम निर्देशन पत्र प्राप्त हो चुका है। वहीं नागरिकता संशोधन अधिनियम के समर्थन को लेकर जन जागरण अभियान के तहत पूर्व मंत्री कालूलाल गुर्जर, भाजपा जिला अध्यक्ष लादूलाल तेली, नगर परिषद सभापति मंजू चेचानी के नेतृत्व में भाजपा के जन प्रतिनिधि पदाधिकारियों सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के समर्थन में नारे लगाए और विपक्ष द्वारा फैलाई जा रही भ्रांतियों को दूर कर देश हित में समर्थन मांगा। कलाएं मन की संवेदनाओं को उभारने, अंतर मन की प्रवृत्तियों को ढालने और चिंतन को सही दिशा देने का कार्य करती हैं। कलाएं व्यक्ति के भीतर बसे सौंदर्य का रूपांतरण करते हुए संवेदनशील समाज के निर्माण में अहम भूमिका निभाती है। यह बात प्रदेश के कला, साहित्य और संस्कृति मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने जयपुर में जवाहर कला केंद्र के शिल्प ग्राम में गत शुक्रवार को राजस्थान ललित कला अकादमी और जेकेके के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित 21वें राष्ट्रीय कला मेले का शुभारंभ करने के बाद आयोजित समारोह को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए कही। ये कला मेला ललित कला अकादमी के माध्यम से संपन्न हो रहा है। इसमें युवा कलाकार देश के कोने कोने से और राजस्थान के कोने कोने से आए हैं। ये अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं और इस कला को प्रोत्साहन देने के लिए कला और संस्कृति विभाग की तरफ से 5 लाख की कलाकृतियाँ खरीदी जाएंगी, ताकि अन्य लोग भी इससे प्रेरणा लेकर जो अपना निजी कलेक्शन वगैरह करते हैं कलाकृतियों का, वो भी प्रोत्साहित होकर के आएंगे और इन कलाकारों को प्रोत्साहन देंगे। सर, जो एक मंच आपने प्रदान किया है, कलाकारों की कितनी ऊँचाई है? निश्चित रूप से हमारे कलाकार जो अलग अलग गाँव में काम कर रहे हैं, कोई मान लीजिए पक्षियों की कलाकृतियाँ बना रहा है, कोई लैंडस्केपिंग कर रहा है, कोई बनी ठनी बना रहा है, तो कोई अलग अलग मेवाड़ की चित्रांकन परंपरा को आगे बढ़ा रहा है, तो कोई शेखावाटी की साइड की चित्रकला बना रहा है। वैसे ही मॉडर्न पेंटिंग्स में भी अलग अलग क्षेत्र में लोग काम कर रहे हैं और वे अपनी तरीके से जो मेहनत कर रहे हैं उससे वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना परचम फहराएंगे। ऐसा
राजस्थान सरकार के कृषि और पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया ने प्रदेश कांग्रेस पदाधिकारियों के साथ प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय जयपुर में जनसुनवाई की गई। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संगठन महासचिव महेश शर्मा ने बताया कि जनसुनवाई के दौरान मंत्री कटारिया ने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय जयपुर पर प्रदेश भर से आए बड़ी संख्या में कांग्रेसियों और आम लोगों की समस्याओं को सुना और उनके निराकरण के लिए कुछ संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। इसी में कटारिया के साथ राजस्थान प्रदेश कमेटी के संगठन महासचिव महेश शर्मा, सचिव पंडित सुरेश मिश्रा, रोहित बोहरा और इंद्रज गुर्जर भी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश के सागर जिले में निजी विमान अकादमी का प्रशिक्षु विमान हादसे का शिकार हो गया। इस दुर्घटना में विमान सवार दो लोगों की मौत भी हो गई। जिले के पुलिस अधीक्षक अमित सांगी ने बताया कि चाइम्स अकादमी का विमान जब घाना हवाई पट्टी पर उतरने का प्रयास कर रहा था तो इसी दौरान वो पास के खेतों में दुर्घटनाग्रस्त होकर गिर गया। वहीं सांगी ने कहा कि हादसे में प्रशिक्षक अशोक मकवान और प्रशिक्षु पीयूष सिंह की मौत हो गई। फिलहाल खबर दोपहर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहिए व्यामा भारत टीवी के साथ। नमस्कार।